हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.1। द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू पी एक्स आर गिवन फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। जब भी हमें ग्राफ गिवन है और हमें नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करनी है, इस केस में जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है डेट इज ऑफ द फॉर्म y is equals to px, जो polynomial equation होगी वो x की form में होगी। तो इन graphs में जो curves हैं या जो lines हैं, x axis पे जितनी बार cut करेंगी उतनी number of zeros होंगी। अगर first part में देखें number of zeros कितनी होंगी, x axis को ये cut नहीं कर रहा कहीं भी, y axis पे cut हो रही है line, तो नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू जीरो बिकॉज इट इज नॉट इंटरसेक्टिंग एट एक्स एक्सिस। क्लियर? अगर हम सेकंड पार्ट में देखें, ये एक पॉइंट है जहां पे ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस इस केस में कितनी होंगी, वन। और अगर इस केस में देखें नंबर ऑफ जीरोस एक्स एक्सिस पे वन टू एंड थ्री, थ्री पॉइंट से यहाँ पे ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस इस केस में होंगी थ्री। अगले में देखते हैं, अब इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, टू पॉइंट्स पे, तो नंबर ऑफ जीरोस विल बी टू। चाहे वो पॉइंट एक्स एक्सिस के पॉजिटिव का हो, चाहे वो एक्स एक्सिस के नेगेटिव का हो, अगर x एक्सिस पे कट कर रहा है तो उतने पॉइंट्स नंबर ऑफ जीरोस होंगे। जैसे अगर हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया, दिस इज x एक्सिस पॉजिटिव, दिस इज पॉइंट ऑफ ओरिजिन दैट इज O, y एक्सिस पॉजिटिव, x एक्सिस नेगेटिव एंड y एक्सिस नेगेटिव। क्लियर? तो इस केस में नंबर ऑफ जीरोस देखते हैं, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू वन टू थ्री एंड फोर। नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू, इस केस में कितनी होंगी, वन टू एंड थ्री। ये जो पॉइंट है ये वाई एक्सिस पे है, नॉट ऑन एक्स एक्सिस, देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोस विल बी थ्री। अब एक और केस अगर हम डिस्कस करें, ये तो हमें इक्वेशन गिवन थी वाई इज इक्वल्स टू पी एक्स की फॉर्म में। अगर हमें इक्वेशन गिवन है पॉलिनोमियल x इज इक्वल्स टू पी वाई की फॉर्म में, अगर पी वाई के फॉर्म में है तो हम देखेंगे जो लाइन या जो कर्व है वो y एक्सिस पे कितने टाइम कट करती है। सपोज हमने ये कर्व ड्रॉ की, तो ये y एक्सिस पे वन एंड टू, तो इस केस में नंबर ऑफ जीरोस होंगी टू। अगर x इज इक्वल्स टू पी वाई की फॉर्म में पॉलिनोमियल है तो हम देखेंगे कि y एक्सिस पे कितने पॉइंट्स को कट कर रही है। अगर y इज इक्वल्स टू पी एक्स की फॉर्म में पॉलिनोमियल है तो हम देखेंगे कि x एक्सिस पे कितने टाइम्स इंटरसेक्ट कर रही है या x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रही है। क्लियर? नोट इट डाउन।